एक तरफ जहां महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं इस पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने अपना ज्ञान देते हुए कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख की प्राप्ति का अनुभव देती है। इस दौरान वे महंगाई की समस्या का हल निकालने के बजाय कांग्रेस को कोसने और अपना ज्ञान देने में लगे रहे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जहां आम जनता परेशान है और सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का अजीब ज्ञान सामने आया है। छतरपुर जिले के दौरे पर आए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से जब मीडिया ने सवाल किया कि महंगाई की वजह से आम जनता बहुत परेशान है, तो मंत्री सकलेचा ने महंगाई पर अपना ज्ञान देते हुए कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख की प्राप्ति का अनुभव देती है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई बढ़ने से पीएम मोदी की स्क्रीन फेल नहीं हुई है, यह आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। देश की जनता विश्वास मोदी के साथ है। जिस कांग्रेस ने 40 साल पोलियो की दवा पिलाने में लगा दिए, वहीं पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन एक साल में बनाई भी और लोगों को लगवाई भी। बहरहाल मंत्री जी को ये समझने की जरूरत है कि जनता एक तो कोरोना की मार झेल रही है और वहीं महंगाई की वजह से आम जनता वाकई परेशान है। मंत्री अपना ज्ञान देने की बजाय अगर जनता की परेशानी सुने और उसके निराकरण की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं, जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में एक साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगाने का संकल्प और विश्वास मोदी जी ने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।